जाकर दरवाजा
दरवाजा बंद कर देता है। भाई दरवाजा क्यों बंद करे? भाई प्लीज माफ कर दो, हम लोग तो आपके छोटे छोटे भाई हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं बेटा, अब तुम लोगों को डोज देना ही पड़ेगा, काफी दिन से तुमने मेरे हाथ का डोज नहीं खाया ना, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे थे, लेकिन आज आज मैं तुम्हें डोज दे दूंगा। फिर उसके बाद आलम क्या करता है ये आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर जिन अपने गांव से दूर एक शहर में पढ़ने आई थी। जंगुक ये तो क्या कर रहा है? हाँ भाई आप यहाँ पर? वाह जंगुक वाह, भाई तुझ पे कितना विश्वास करते हैं ना, लेकिन तूने उनका विश्वास तोड़ दिया। आज तक तूने जो मांगा है भाई ने तुझे दिया है, लेकिन तू भाई की एक छोटी सी बात नहीं मान सकता था? तूने गर्लफ्रेंड बना ली? तुझे पता है ना कि जब ये बात भाई को पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा, कितने अंदर से टूट जाएंगे वो। तूने बहुत गलत किया जंगुक, बहुत गलत। I'm sorry भाई, I'm really sorry, मुझे माफ कर दीजिए। जंगुक शुगा से सॉरी बोल ही रहा था कि तभी शुगा को कोई आकर बैग खा कर लेता है। बेबी देखो मैं आ गई। हाँ बेबी, क्या हुआ शोना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बेबी तुम्हें अभी आना जरूरी था क्या? हाँ तो अब बताइए भाई क्या है ये सब? जंगुक तुम तो मेरा भाई है ना? हाँ आ गए अपनी लाइफ पे, आप चुपचाप बैठ जाइए, ना मैं बताऊंगा ना ही आप बताओगे, ऐसे हम दोनों बच जाएंगे, ना मैं मार खाऊंगा ना ही आप। क्या हुआ बेबी, यहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ नहीं बेबी, ऐसे ही बैठो तुम। ओह तो तुम लोग ये सब कर रहे हो, कोई बात नहीं मैं भाई से बताऊंगा और तुम लोगों को पिटवाऊंगा। हाँ जी हो तो अब हम लोग का क्या होगा जंगुक? ओह तो आप हमें पिटवाओगे, वो भी भाई के हाथों? कोई बात नहीं मैं भी बता दूंगा कि आपकी भी गर्लफ्रेंड है जो कि आपके पीछे खड़ी है। कि क्या मेरे पीछे भाई है तुम? हाँ जी हो मैं, तुम्हें मैं कितने दिन से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम, इतने दिन से मुझे मिलने क्यों नहीं आए? और मैं तुमसे कहा था कि मुझे कल तुम मूवी दिखाने ले जाओगे और ऊपर से तुम मुझे लेकर नहीं गए, ऊपर से आज तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। माय लव अगर तुम थोड़ी देर में आ जाती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? हाँ तो जी हो अब बता, चलेगा भाई को बताने? अरे मैंने तो मजाक किया था, तुम लोग सीरियस क्यों हो गए, मैं कहाँ बताने जाऊँगा? पलटू साला, इसका मतलब सबके पास एक एक है। कुकी तुम अपने भाई से हमारे रिश्ते की बात क्यों नहीं करते हो? हाँ कितने दिन तक मैं ऐसे ही तुमसे मिलती रहूंगी? क्यूटी तुम क्यों नहीं बताते अपने भाई से? अब मैं क्या करूंगी? हाँ तुम इतने सालों से मुझसे डेटिंग कर रहे हो लेकिन अभी तक हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। हाँ जी हो ये दोनों सही कह रही है, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो अपने भाई से? अगर हमने अपने भाई से बता दिया ना तो मेरा कीमा तुम्हें मिलेगा और मेरा लेग पीस और मेरी बिरयानी, खाना चाहती हो तुम लोग? टेस्टी होगा तो खा भी लेंगे। अरे भाई जी हो ये तुझे कहाँ मिली? हाँ बाबू कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो। गाइस आई हैव अ प्लान, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे भाई लव से कितना चलते हैं, तो पहले उनकी सेटिंग कराते हैं उसके बाद हम लोग शादी करेंगे, जब वो भी लव में पड़ी जाएंगे तो हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे। अरे हाँ बेबी ये तो बहुत अच्छा प्लान है, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? हाँ ये आइडिया अच्छा लगता है, पहले हम लोग भाई की सेटिंग करा लेते हैं उसके बाद हम लोग अपनी सेटिंग करेंगे। वो सब तो ठीक है लेकिन लड़की कौन सी होगी उसकी फिक्र तुम लोग मत करो। वो क्या है ना आज मेरी फ्रेंड गाँव से यहाँ पर आ रही है पढ़ने के लिए और यही बात तो मैं तुम्हें बताने आई थी, और इत्तेफाक की बात ये है कि उसका घर भी तुम्हारे घर के एकदम बगल में, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या है ना उसे मारपीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हारे भाई तो कितना करते हैं, और वो दुनिया में सबसे ज्यादा हेट माफिया से करती है, और तुम्हारे भाई तो माफिया है ना, वो उसे प्यार कैसे करेगी? अरे तो भाभी भाई माफिया है ये मुझे पता है और हम सबको पता है, लेकिन उसको नहीं पता है तो उसको नहीं बताएंगे। हाँ जब वो सही कह रहा है, एक काम करेंगे हम लोग भाई का एकदम अपोजिट उसे बताएंगे कि भाई बहुत अच्छे हैं, भाई मारपीट नहीं करते वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो जिनके साथ धोखा हुआ ना? हाँ बेबी तुम सही कह रही हो, ये तो उसके साथ धोखा हुआ। अरे धोखा नहीं होगा, एक बार प्यार हो गया ना तो भाई बदल भी सकते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद भाई उसके लिए बदल जाए। अब देखो मैंने अपनी बात तो कह दी, अगर तुम लोगों को सही लगता है तो करो, वैसे ये सब छोड़ो बेबी ये बताओ कि वो
कब आने वाली है? वो आज ही आने वाली है, अब तो पहुंच भी गई होगी। अरे तो यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, चलो ना। फिर सब लोग घर चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर वो लोग छुप जाते हैं। जिन घर पहुँच गए थे वो अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी कि तभी वहाँ पर नामजिन आ जाता है, वो जिन को देखते रह जाता है। वो देखो भाई आ गए। हाँ कहाँ पर? अब आएगा ना मजा। भाई आप भी एक बार प्यार में पड़ ही जाओ। भाई तो उसको ऐसे देख रहे हैं, लग रहा है कि अभी उसे गोली मार देंगे। नामजन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अरे भाई जा क्यों रहे हैं? और भाई से क्या उम्मीद की जा सकती है, चले गए। ये प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करे, ये भाई ऐसे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। पता नहीं भाई कैसे हैं, ना खुद पैर करते हैं और ना ही हमें करने देते हैं। और अगर उन्हें पता चल गया कि हमारी गर्लफ्रेंड है तो हम तो गए। बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, वो अपने प्यार के लिए बदलेंगे। और हाँ, हम लोग इनके बीच में मोमेंट बनाएंगे। हाँ मोमेंट? मोमेंट तो खुद होता है ना, हम लोग उसे बनाएंगे कैसे? हाँ जगहुक तुमने एकदम सही कहा, मेरे पास आइडिया है। हम लोग उनके बीच में मोमेंट भी बना देंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर जिमिन उन्हें सारा प्लान बताती है। उसके बाद शुगा कहता है, वाओ बाबू यू आर सो स्मार्ट। थैंक यू बेबी। ओहो अगर आप लोगों का बाबू सोना हो गया हो तो प्लान पे फोकस कर ले। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फाइनल हो गया कि ये मिशन हम लोग कंप्लीट कर रहेंगे। इतना बोलकर तीनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और तीनों लड़के अपने घर चले जाते हैं। हाँ तो मैं जान सकता हूँ कि तीनों महाराज कहाँ से आ रहे हैं और इतनी देर से कहाँ थे? वो भाई आपने जो खूबसूरत से निशान दिए है ना, उसे मैं दवा लगवाने गया था डॉक्टर के पास। अच्छा और तुम शुगा, तुम कहाँ गए थे? वो भाई मैं भी जंकू के साथ ही गया था। ओह जे हो तुम? भाई हम तीनों भाई साथ में गए थे। ओह तो तुम तीनों साथ में गए थे, और कौन सा हॉस्पिटल? तारा हॉस्पिटल। ओह तो तुम लोग तारा हॉस्पिटल और सिटी हॉस्पिटल और सानू हॉस्पिटल, ये तीनों में एक साथ गए थे क्यों? नहीं भाई हम लोग सिटी हॉस्पिटल ही गए थे। अबे सालों कितना झूठ बोलोगे। हाँ तुम्हें इतना पीटता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना अगर कोई जानवर को पीटो ना तो वो भी सीधा हो जाएगा, लेकिन तुम लोग जानवर से भी बदतर हो। लेकिन फिकर नॉट, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज से मारूंगा कि दोबारा तुम लोग भागने की कोशिश नहीं करोगे। ओके अब रेडी हो जाओ गन से मार खाने के लिए। भागने की कोशिश मत करो, मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम लोगों से ज्यादा तेज भागती है। आपको ऐसे क्यों लगा कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? गेस कर रहा था। अब चलो चुपचाप सब लाइन से खड़े हो जाओ। हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, आज के बाद हम लोग कभी झूठ ही नहीं बोलेंगे। आई एम रियली सॉरी भाई। ओके तुम लोग जाओ, लेकिन हाँ दोबारा ऐसा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही नामजिन कहता है वैसे ही तीनों भाई वहाँ से भाग जाते हैं। ओह गॉड हम लोग बाल बाल बचे, आज तो हम लोग ऊपर ही जाने वाले थे, लेकिन भाई ने हमें छोड़ कैसे दिया? वो तो हमें नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे छोड़ दिया। मुझे लगता है कि आज उस लड़की के वजह से भाई ने हमें छोड़ दिया, उसी ने कुछ जादू किया है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तीनों गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती हैं। तुम लोग यहाँ पर? वो क्या है ना, हम लोग इसलिए आए यहाँ पर क्योंकि प्लान का शुरू होने का टाइम हो गया है। तो चलो जान तुम आ गई, मैं तो तुम्हारे ही वेट कर रहा था, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। ओह रियली थैंक यू सो मच कुकी मेरी लाइफ में आने के लिए। ओह गॉड तुम लोगों का हो गया हो तो चले। हाँ क्यों नहीं चलो। अरे हम जा तो रहे हैं, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे मोमेंट, क्या करना है कोई तो बताए। कुछ नहीं देखो मैं प्लान बताती हूँ। पहला तो जिमिन तुम अपनी फ्रेंड को फोन से बाहर बुलाओगी और भाई उधर से आया करेंगे, तब वहाँ पर हम लोग रस्सी फंसा कर उन दोनों को गिरा देंगे। ओह ये कर देंगे तो उन्हें चोट लगेगी, मोमेंट नहीं बनेगा। इसमें मोमेंट क्या है? बेबी अगर तुम्हें नहीं पता है तो मत बोलो, और वायन तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, शायद ये काम करेगा। और हाँ शुगा तुम्हारे और मेरे बीच में भी तो ऐसा ही हुआ था ना पहली बार। हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट भी तो हो गया था ना। हाँ बस बस ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वैसे हम लोग चलते हैं ना, प्लान को शुरू भी तो करना है। ये जिमिन को क्या हो गया? चलो ये खैर छोड़ो अब चलो। फिर सब जिम के घर के पास चले जाते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं। हाँ वो देखो भाई दूर से आ रहे हैं। अब जिमिन तुम्हारी बारी, तुम कॉल करो अपने फ्रेंड को और बाहर बुलाओ। ओके मैं करती हूँ। फिर जिमिन जिन को फोन लगाती है। हेलो जिन कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि तुम मुझे भूल गई। पहले तो तुम मुझे वहाँ पर लेने नहीं आई, ऊपर से अब तुम मुझसे मिलने भी नहीं आ रही है। पर क्यों ऐसा कर रही है? मैं तेरे लिए तो यहाँ पर आई हूँ। मुझे लगा था कि मैं अगर यहाँ पर रहूंगी तो मुझे अकेला फील नहीं होगा, तो मैं साथ रहूंगी, लेकिन तुम मुझसे मिलने ही नहीं आती हो। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गई थी।
मुझे टाइम ही मिलता है क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब भी तो करती हूं ना इसीलिए। लेकिन अब मैं तुमसे मिलने आई हूं, मैं बाहर ही खड़ी हूं, तो बाहर तो आ। क्या बाहर ही खड़ी है? सच में? मैं अभी आती हूं। हां हां जल्दी आ जल्दी आ, मैं बाहर ही खड़ी हूं। फिर जिन कॉल कट कर देती है, उधर से नामजिन भी आया करता है और इधर से जिन भी भागा करती है और वो दोनों की टक्कर हो जाती है और जिन उसके ऊपर गिर जाती है। शादी कर लूं। हां क्या सच में? तू करना चाहती है? वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है।
ऐसी हो जो कोई भी तुमसे प्यार करने लगे। और रही बात उनके भाइयों की, तो वो छोटे बच्चे नहीं है, वो खुद को संभाल सकते हैं। लेकिन मैं तो जानती हूँ कि तुम, हमारी जब शादी होगी तो तुम उन्हीं में फंस जाओगी और पूरी जिम्मेदारी खुद पे ले लोगी, क्यों, है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? मैं यही सोच रही थी। मुझे पता था कि तू यही सोच रही होगी, बिकॉज तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू किस नेचर की है मैं जानती हूँ। और हाँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। वैसे वो यहाँ पर अकेले रहते हैं सिर्फ अपने भाइयों के साथ, इनके मॉम डैड कहाँ हैं? वो एक्चुअली इस दुनिया में उनके मॉम डैड नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। और हाँ, उनके भाइयों को यही संभालते हैं एकदम माँ बाप की तरह। और इनके भाइयों को आज तक मॉम डैड की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि ये उनको कमी महसूस होने ही नहीं देते हैं। इतना प्यार देते हैं कि वो अपने मॉम डैड को कभी याद ही नहीं करते। सुनने में लगता है कि कितनी ज्यादा स्ट्रगल किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तकलीफें झेली होंगी अपनी जिंदगी में। हाँ, ये तो है। वैसे जिम में चलती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। ओके, बाय जिमिन, तुम भी ना। ओके बाय। ओह माय गॉड, एक गुड न्यूज है, मुझे तुम लोगों को बतानी है। वो क्या है ना, जिन की तरफ से तो हाँ हो ही गया है। क्या, जिन ने हाँ कर दिया? मुझे पता था, क्योंकि तूने इतनी सारी तारीफ कर दी थी तो उसे हाँ तो करना ही था। वाओ, लड़की की तरफ से तो हाँ हो ही गया है, बस लड़की की तरफ से बाकी है, वो तो हम लोग करवा ही लेंगे। हाँ जंकुक, तूने सही कहा, एक बार भाई भी मान जाए उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। इतना बोलकर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, ये लोग बार बार मोमेंट बनाया करते हैं। ऐसे ही करते करते नामजून को भी जिन से प्यार हो जाता है। उसके बाद एक नामजून जिन को बुलाता है, उसके बाद वो उसको प्रपोज कर देता है और जिन प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। आपको पता है, आप दुनिया की पहली लड़की है जिससे मैंने प्यार किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि वो लकी गर्ल मैं हूँ। थैंक यू सो मच जिन मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे नहीं लगा था कि मैं किसी से प्यार कर पाऊंगा। हाँ आर्यन, आप अपने भाइयों को बता दीजिए, उनका भी जाने का हक है। भाई मेरे बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत बात मानते हैं, मैंने उन्हें मना किया था तो उन्होंने किसी से प्यार नहीं किया है। आर्यन, मैं अपने डैड से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, तुम क्या मेरे साथ कल मेरे घर चलोगे? क्या, कल? ठीक है, मैं अपने भाइयों को बता दूंगा। ओके आर्यन, अब मैं चलती हूँ, और हाँ कल आप रेडी रहिएगा, मैं आपको लेने आऊंगी। हाँ ठीक है जिन, मैं चलता हूँ। फिर नामजिन अपने अपने घर चले जाते हैं। आर्यन, आप रेडी है ना? मैं आ गई। हाँ जिन, मैं रेडी हूँ। ओके चलो। एक मिनट, आप लोग कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो? नामजिन, आपने अपने भाइयों को बताया नहीं कि आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो? क्या, घर? पर क्यों? वो जिन, मैं भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ। वो क्या है ना, जिन मुझे अपने डैड से मिलवाने के लिए ले जा रही है अपने घर, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ भाई, आप जाकर एंजॉय कीजिए, हम लोग यहाँ पर अपना ख्याल रख लेंगे। नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जाके एंजॉय कीजिए, हमारी फिक्र मत कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर रह लेंगे। तुम लोग ऐसे एक्साइटेड हो रहे हो कि लग रहा है मैं कभी गया नहीं था। कोई बात नहीं, चलो जिन। ओके आर्यन, चलिए, वैसे भी हम लोग लेट हो जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी। फिर नामजिन ट्रेन के लिए निकल जाते हैं, फिर वहाँ पर वो लोग पहुँच भी जाते हैं। नामजिन आप अंदर जाइए, मेरे फोन पर एक कॉल आ रहा है, मैं उसे पिक करके आती हूँ। ओके जिन, पर जल्दी आना। फिर नामजिन ट्रेन के अंदर चला जाता है और जिन कॉल पे बात करने लगती है। फिर कुछ गुंडे आते हैं और जिन को किडनैप करने लगते हैं, लेकिन नामजिन वहाँ पहुँच जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। उन्होंने मुझे झूठ क्यों बोला? और हाँ आर्यन, दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मैं
मैं जा रही हूँ। ये तो क्या खेल रहे हो? नहीं प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। नो आरएम, आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और जाकर अपने भाइयों से पूछिए कि उन्होंने मुझे झूठ क्यों बोला, इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे। देखो जिन, इतना बड़ा फैसला अभी मत लो, तो तुम शांति से लेना फैसला, लेकिन अभी मत लो प्लीज, क्योंकि तुम अभी गुस्से में हो इसीलिए ऐसा कर रही हो। नो आरएम, मैं गुस्से में नहीं, मैं अपने पूरे होश और हवास में कह रही हूँ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। आई हेट यू आरएम, और दोबारा मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। गुड बाय। इतना बोलकर जिन ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन नामजिन जब तक पहुँचता है तब तक की ट्रेन चल जाती है। जिन, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। ट्रेन वहाँ से चली जाती है और नामजिन उदास होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ भाई, आप इतनी जल्दी आ गए, ये कैसे? और आप मिल आए इतनी जल्दी? उसे भी नहीं पता था कि तुम्हें नहीं पता है कि वो माफिया है, और इतने दिन से तुम
छोड़ सकता हूँ, तो ये माफिया वाइब क्या चीज है? क्या सच में आर्यन? I love you आर्यन। अब मेरे भाइयों की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। मेरे भाई यहीं कहाँ गए ये सब? भाई अपने पीछे तो देखिए, हम लोग यहीं पर हैं। जब आर्यन पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि सबके साथ एक लड़की थी। हाँ, ये लड़कियाँ कौन है? हेलो आर्यन भाई, हम लोग आपके बहुएं हैं। हैं? ये तुम लोग क्या कह रही हो? ये सब सच है? हाँ आर्यन भाई, जिमिन सही कह रही है, मैं जैनकुक की हूँ और मैं शुगा की जीएफ हूँ। एंड आर्यन भाई, आप तो समझ ही गए होंगे कि बच्चा जैनकुक तो वो मेरा है। ओ बेटे, तुम लोग तो मुझसे भी फास्ट हो, इतनी जल्दी तुम लोग आगे बढ़ गए। आर्यन भाई आप गलत कह रहे हो, हम लोग तो पाँच महीनों से हम लोग साथ में और हम लोग बताने वाले थे, लेकिन हमने सोचा पहले आपकी हो जाए, उसके बाद हम लोग बताएंगे। वाओ, तुम लोग तो बहुत फास्ट हो। वैसे छोड़ो, मेरा भी हो ही गया है। भाई अगर आप चाहो तो अभी भी आप लोग शादी कर सकते हो, क्योंकि वेडिंग हॉल पूरा रेडी है। क्या वेडिंग हॉल रेडी है? पर कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब ठीक हो जाएगा? वो क्या है ना भाई, हम लोग फ्यूचर देख लेते हैं। कैसी बातें करते हैं भाई, हम लोगों को पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने पहले सब कुछ रेडी करवा दिया था। अगर आप लोग कहो तो अभी हो सकता है। हाँ मैं करूँगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम तीनों भी मेरे साथ ही शादी करोगे, क्यों है ना? वाह भाभी, तुम ग्रेट हो, हम लोग तो यही चाहते थे। वाह भाभी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। वाह भाभी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। ओके अब चलिए। सारे कपल्स रेडी हो जाते हैं, उसके बाद उनकी वेडिंग। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो ना पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो ना पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बड़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बड़ी दरमियां, पास रह कर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान पछताएगा। उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा, प्यार तुझसे करेगा जो पछताएगा। उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा, जिंदगी की उसे फिर जरूरत नहीं, जिंदगी की उसे फिर जरूरत नहीं, तेरे पहलू में घुट घुट के मर जाए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।